दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार किड्स हैं जिन्हें पेरेंट्स के स्टारडम के चलते काम तो मिला, लेकिन वे फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। इन्हीं में से एक नाम है मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी का, जिन्हें श्रीदेवी का साथ मिला, मगर अफसोस वो बतौर एक्टर फिल्मों में सफल नहीं हो पाए। मनोज कुमार के बेटे कुणाल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म क्रांति से की थी। हालांकि बतौर हीरो कुणाल 1983 में आई फिल्म कलाकार में श्रीदेवी के ऑपोजिट नजर आए। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें श्रीदेवी जैसी टॉप एक्ट्रेस का साथ मिला था, लेकिन वे फिल्मों में अपनी किस्मत नहीं बना पाए। इस फिल्म में किशोर कुमार का गाया गाना नीले नीले अंबर पर काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कुणाल गोस्वामी का करियर आगे नहीं बढ़ सका। कुणाल ने फिल्म कलाकार के बाद घुंगरू, दो गुलाब और पाप की कमाई जैसी फिल्में की, लेकिन ये भी नहीं चली। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ 1989 में आई फिल्म आखिरी बाजी में भी किस्मत आजमाई, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। बेटे कुणाल को लेकर मनोज कुमार ने भी सोचा था कि वो भी उनकी तरह ही सुपरस्टार बनेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। हालांकि लगातार फ्लॉप फिल्म देने के बाद अचानक से कुणाल को फिल्में मिलना ही बंद हो गई। कहा जाता है कि बेटे के करियर को बचाने के लिए मनोज कुमार खुद आगे आए। साल 1999 में मनोज कुमार ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म जय हिंद से कुणाल को रिलॉन्च किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर और शिल्पा शिरोडकर साथ देखे गए, मगर अफसोस ये फिल्म भी फ्लॉप रही और किन्हीं कारणों से इसी दौरान मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद कुणाल का फिल्मी करियर पूरी तरह खत्म हो गया। तब उन्होंने टीवी की दुनिया में अपनी तकदीर आजमाई। फिल्मों के अलावा कुणाल गोस्वामी ने टीवी सीरियल भारत के शहीद, किटी पार्टी और परंपरा में काम किया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए।